हम जो काम कर रहे हैं 2015 से खिस्मत खल बोल के काम कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, हम मानते हैं हम एक पॉलिटिकल आदमी है वो भी मानते हैं, हम कुछ भी हम काम चालू है, मतलब आगे भी काम चालू रहेंगे। इसकी वजह क्या है, असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि हम सत्ता में रहो या मत रहो, हम आवाम के बीच में जरूर रहना चाहिए, आवाम के बीच में हमारे को काम रहना चाहिए, आवाम का काम हमने करना चाहिए। ये जीत हार लगी हुई बाकी अल्लाह के हाथ में है, वो कोई जीतेगा कोई हारेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। पर आज हम जो अगर काम कर रहे हैं, अगर ये मेरी बहनों को अगर जो उसमें से अगर 5% लोगों को पैसा आता तो उसमें से 1% के लोगों ने भी अगर दुआ दिए तो बहुत बड़ी बात है, वो पैसे से खरीदी नहीं जाती दुआ, अरे हम दुआओं के लिए काम कर रहे हैं जो है। तो हमारे को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से हमारे शहर अध्यक्ष, हमारी पूरी टीम, एमआईएम की पूरी टीम, और दूसरी बात जनता मल्टी सर्विस जो एजेंसी है ये गवर्नमेंट मान्यता है, हम उनके थ्रू अब ये भर रहे फॉर्म भर रहे फॉर्म भर रहे ये आधार सेवा केंद्र है उनका, उनके मार्फत हम ये पूरे फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि हमारे को ऑनलाइन होना है सारी चीजें जो है। तो पिछले अगले इतवार को हमारे किराड़पुरे के अंदर 5 जगह हम वोटिंग कार्ड का कैंप लगा रहे। अच्छा, 10 अगस्त को मेगा मेडिकल कैंप रखा गया है, खासदार इम्तियाज जलील साहब के जन्मदिन के मौके पर हम रखते हुए इस साल भी उसकी तैयारियां चालू होगी, और इस साल सबसे बड़ा अगर कोई कैंप रहेगा तो इंशाल्लाह वो किराड़पुरे के अंदर रहेगा। देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। हमने देखा है, अक्सर आपको देखने को मिला होगा कि जो लाड़ की बहन जो योजना चालू हुई है, हर जगह उसका कहीं ना कहीं लोग लाभ उठा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अगर कहीं ये योजना का लाभ लोगों ने उठाने की कोशिश की है, फॉर्म अगर सबसे ज्यादा कहीं भरे गए हैं तो वो किराड़पुरा है। और जब किराड़पुरी की बात आती है तो एक शख्स का नाम आता है जो अक्सर ऐसी योजना हो या उसके अलावा जब जब लोगों को फायदा पहुंचाने वाली स्कीम हो तो हाजी इसाक AIMIM के कार्यकर्ता हाजी इसाक का नाम सामने आता है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा, सियासत पर इनसे बात करेंगे, योजनाओं पर इन पर बात करेंगे, और आखिर कितने फॉर्म अभी तक ये भर चुके हैं इस पर बात करेंगे। सर हाजी साहब वेलकम आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। हाजी साहब सबसे पहले तो एक बात नहीं कहूंगा कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, गणित 100 फेल हो चुके हैं, आपने गणित लगाया था, हमने गणित लगाया था, सारे गणित फेल हो चुके हैं। चलिए अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी लाड़की बहन के जो फॉर्म भरे गए हैं, कितने फॉर्म अब तक ऐसा भर चुके आप? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया औरंगाबाद अपडेट का कि आप आए हमारे पास में और बात किए, और आपने कहा कि पूरे गणित फेल हो गए, ये तो खैर अलग की तरफ की बात है। और मैं आपके माध्यम से पूरे औरंगाबाद के जिले के मुसलमानों पर दलितों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से, सबसे पहले कि भाई आपने जो लोकसभा में जो हमको इतने तादाद में आके वोट दिया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा, क्योंकि इतना भी शुक्रिया अगर करे तो वो कम है उसके लिए, इतना जो वोट मिले। खैर जीत हार लगी हुई रहती है वो अलग विषय है, पर आपने इतना वोट दिया आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद भी है और शुक्रिया अदा भी करते हम लोग पार्टी की तरफ से दलित मुस्लिम का कि भाई उन्होंने इतना ही करा। अब रही लाडली महीना के बारे में, तो ये योजना मुख्यमंत्री साहब ने जो लागू करे 1 तारीख से लागू हुई थी, 1 जुलाई से 2024, तो उन्होंने 15 जुलाई तक उसका पहला डेडलाइन दिए थे कि भाई 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हम लोग फॉर्म भरेंगे सारी। तो हमने उसी टाइम पे ऐलान किए थे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि 2 जुलाई से तो हम 15 जुलाई तक हमारे पास में कैंप रहेगा। पर वो अब उसका टाइम बढ़ते गया तो वो अलग बात हुई, पर हमने जो टाइम लिए थे कि 2 जुलाई से 15 जुलाई 2024 तक हमारे किराड़पुरे में स्टॉप पे उसका ऑफिस है हमारा नीचे अंडरग्राउंड में, वहां हम फॉर्म भरेंगे। तो हमारा आज 15 तारीख है 5 बजे तक हमारा काम कैंप चला, और इंशाल्लाह अभी भी जो कुछ बचे हुए फॉर्म आगे भरेंगे। हमारे पास में 4,350 फॉर्म आए टोटल, 4,350 फॉर्म ऑफलाइन आए जी। पहले हमने क्या किए थे कि उनकी साइट चल रही नहीं थी तो हमने ऑफलाइन फॉर्म लेके रख लिए थे, तो हमने सोचा था कि भाई उनकी फोटो के ऊपर अपन उसको ऑनलाइन कर देंगे, पर वो ऑनलाइन लाइव फोटो ले रहा, इसके लिए हमने क्या करे, फिर हमने हमारे फॉर्म लेना बंद करे जो हमारे पास 4,350 है, तो उनको उन्हीं को उसमें से बुला रहे फोन करके। तो अभी तक हमने उसको बुला के अभी आपसे आपके सामने बात किया, मैंने आज के टोटल मिला के 1837 कैंडिडेट को लाभ उसका मिल चुका, उनको ऑनलाइन हमने
कर चुके, हमने उनका स्लिप उनको दे दिए। हमारे पास में किराड़पुरा, खैमाने कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, बारी कॉलोनी, ये 5 वार्ड के खास तौर से बहुत ज्यादा लोग आए, हमने उनका भी किया। उसके साथ साथ हमारे पास में नारेगांव क्या है, मिसरवाड़ी क्या है, तुम्हारे गारखेड़े क्या है, मतलब हर पूरे शहर से लोगों ने लाके दिए, तो करके इतना इतना टारगेट उसका गया। और आपका जो चैनल के माध्यम से जो हुआ था पूरे शहर में इसका फैला था, और वहां से शहर से फोन आ रहे थे, तो सब लोगों से हमने पहले ले लिए थे, पर अब जब ऑनलाइन नहीं हो रहा तो तकलीफ हो रही थी, इसलिए हमने जब बंद करे और बाद में जितने फार्म है उतने करके ले रहे। और अभी बहुत सारी इसमें जो रुक गए उसका एक सबसे बड़ा कारण है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि हम लोग जिसको फोन करके दे रहे तो उन लोगों को फोन कभी लग रहा नहीं, कोई स्विच ऑफ हो रहा, कई दूसरे कोई बोलते हम बाहर आ गए, कोई बोलता है कि हमारी बीबी ने हमारे बगैर पूछे भर दिए, इस तरीके की बहुत हमको तकलीफ उसमें साइन करना पड़ी। तो उसमें जो लोग नहीं आए ये उसमें के कुछ लोग रह गए, तो हम उम्मीद करते हैं और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जो रुके हुए वो भी हम एक दो रोज में उसको चालू रख के कंटिन्यू करके उसको भर देंगे। इसमें किसकी किसकी मदद मिली है सब आपको? इसमें जो है तो हमारे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमारे शहर अध्यक्ष, हमारी पूरी टीम, एमआईएम की पूरी टीम, हमारे पास में जो हमारे शहर अपने अयूब जागीरदार साहब है, और अपने हजी इरशाद साहब है, उधर से रफीक चीता साहब है, उधर से अजीम खान साहब है, ये लोगों ने भी हमको मदद किया है। उनको कहा कि इनके पास जो लोग आ रहे थे उन्होंने कहा कि हमारा पूरा एक मरकज एक का ही बने हुआ है किराड़पुरे के जो एरिया में कि सब लोग यहाँ जाए, तो इन लोगों ने भी हमारे वहां पे भेजे, वो ज्यादा लोगों ने भेजे कि वहां पे करा के दिए, इनकी भी मदद है। और दूसरी बात जनता मल्टी सर्विस जो एजेंसी है ये गवर्नमेंट मान्यता है, हम उनके थ्रू अब ये भर रहे फॉर्म भर रहे, ये जो है तो आधार सेवा केंद्र है उनका, उनके मार्फत हम ये पूरे फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि हमारे को ऑनलाइन होना है सारी चीजें, और उसका अगर ऑनलाइन रहेगा और उसका अगर डाटा रहेगा तो गवर्नमेंट उनको ये करके देगी। तो इसी उन्हीं के साथ में रहकर हमने इरफान भाई के बच्चे हैं, वो एक 8-10 लोगों की हमारी टीम है, वो पूरे 8-10 लोग टीम पूरे 2 तारीख 1 तारीख से पूरा अभी तक आज तक काम करे, और आगे भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम उसको। कोई ऐसी और योजना हिसाब जो मुख्यमंत्री की तरफ हो या हमारा सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना आ रही हो या केंद्र सरकार की तरफ से योजना आ रही हो जो गरीबों के लिए ज्यादा लाभ उसका मिल सकता है, ऐसी कोई योजना भी आपकी नजर में कोई आई है कि आपके इल्म में कोई आई है या फिर आएगी तो किस तरीके का उसके नियोजन बनाएंगे? इससे पहले जो आपने देखे होंगे 2015 से आज तक आपके गली में हमने उज्ज्वला गैस बांटे, 650 के करीब उसमें गए हमारे, हमने घरकुल का ये दिए, उससे बाद में हमने मुख्यमंत्री के निधि से हमने जो आए दवाखाने के लोगों को उनको पैसे दिए, मेडिकल कैंप लगाए, हम जो काम कर रहे हैं 2015 से खिदमत खल बोल के काम कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, हम मानते हैं हम एक पॉलिटिकल आदमी है वो भी मानते हैं, कोई शक नहीं, उसमें कोई सियासत भी है, पर सियासत के साथ साथ हम लोगों की खिदमत खल भी काम कर रहे हैं। ये हमारे पहले हमारा खिदमत खल है, बाद में सियासत, सियासत का मामला है। देखो एक महीना रहता है इलेक्शन, उस टाइम पे हर आदमी ने उसकी पॉलिटिक्स करना चाहिए और होना भी चाहिए, पर आज जो काम है, आज कोई इलेक्शन नहीं है, 4 साल हमारा कॉर्पोरेशन खत्म हो गए, 5वां साल लग गया, आपको लग गया, आपको देख रहे हम, आपको हम को कभी फोन मारते पानी का कब आ रहा, नल का, ये कब, लाइट कब, पर हम आज भी हम काम चालू है, मतलब आगे भी काम चालू रहेंगे। इसकी वजह क्या है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि हम सत्ता में रहो या मत रहो, हम आवाम के बीच में जरूर रहना चाहिए, आवाम के बीच में हमारे को काम रहना चाहिए, आवाम का काम हमने करना चाहिए। ये जीत हार लगी हुई बाकी अल्लाह के हाथ में है, वो कोई जीतेगा कोई जीतेगा कोई हारेगा, पर आज हम जो अगर काम कर रहे, अगर ये मेरी बहनों को अगर जो उसमें से अगर 5% लोगों को पैसा आता तो उसमें से 1% के लोगों ने भी अगर दुआ दिए तो बहुत बड़ी बात है, वो पैसे से खरीदी नहीं जाती दुआ, अरे हम दुआओं के लिए काम कर रहे हैं। और आपने जहां के क्या अगला जो स्कीम है तो बहुत जल्द हम इतनी भारी स्कीम गवर्नमेंट की है, मेरी खुद की नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और वो ऐसा लाभ आएगा पूरे औरंगाबाद में कि आप भी उसके बारे में हम आप सोचेंगे, पर उसके लिए हमको 1 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, 1 तारीख तक उसकी गाइडलाइंस आएंगी, उसके 1 अगस्त को उसकी गाइडलाइंस आएंगी, वो गाइडलाइंस के हिसाब से अपनों को आगे काम करना है। अब रही दूसरी बात, हम जो है तो पिछले अगले इतवार को हमारे किराड़पुरे के अंदर 5 जगह हम वोटिंग कार्ड का कैंप लगा रहे। अच्छा, एक दिन के लिए रहेगा? एक दिन के लिए हम 5 जगह हम लगा रहे, एक जो बादाम गली के अंदर लगाएंगे, एक तुम्हारे ऊपर जनता किरा जनता डेयरी के पास में लगाएंगे, एक पटेल होटल के पास लगाएंगे, एक पानी के बम्बा किराड़पुरे के पास लगाएंगे, 5वां जो है तो अक्सा मस्जिद के पास जो हमारे जावेद पटेल का घर है हम एक वहां लगाएंगे, ऐसे हम 5 जगह कैंप लगाएंगे हमारे। और तीसरा और सबसे अहम बात, पिछले कई दिनों से हम हर साल
जो है तो मेडिकल मेगा मेडिकल कैंप लेते हाँ 10 अगस्त को है वो बरोबर 10 अगस्त को मेगा मेडिकल कैंप रखा गया है हजदार इम्तियाज जलील साहब के जन्मदिन के मौके पे हम रखते हो। इस साल भी उसकी तैयारियां चालू हो गई और इस साल सबसे बड़ा अगर कोई कैंप रहेगा तो इंशाल्लाह किराड़पुरे के अंदर रहेगा तुम्हारे कमाल फारूकी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के बाजू में वहां पे रहेगा। उसका टाइम सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक रहेगा। अच्छा भाई साहब ये सवाल चलिए ये तो हो गया, एक अलग सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आज एक सुर्खियों में एक बात सुनने मिली, अभी मैं आ रहा था जब बात सुनने मिली कि हाजी इसाक भी इच्छुक है मिलेगी टिकट के लिए कितनी सच्चाई नहीं नहीं ऐसा है। देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हमारे सबसे मेन सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी साहब और महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब, इनके आगे तो कोई जा नहीं सकता। ठीक है कार्यकर असर साहब ने आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद के अंदर एक गाड़ी का ड्राइवर था जो कि अपने पास में उन्होंने हमारा खुद का प्रचार 2015 में करे, उनको एमएलसी दिए आमदार बनाए, तो वो असर साहब है। वो कब किसको क्या करेंगे और किसको क्या बनेंगे और किसको कहा उनकी जगह बताएंगे वो असर साहब जाने। आपका आपके पास में नाम आया, आपने ये करा, शुक्रिया अदा करता आप लोगों का तमाम लोगों का। देखिए आगे क्या होता है करके और हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लो और अपने महाराष्ट्र की विधानसभा बहुत ताकत से इलेक्शन लड़ने जा रही है, उसकी तैयारियां चालू कर दिए। अभी 2 दिन पहले असद साहब ने आप आए थे, पूरे महाराष्ट्र के लोग आए थे और हमारी पूरी ताकत अभी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम की पूर्व पश्चिम और मध्य तीनों में से हमारे आमदार चुनके लीड से चुनके लाने की हमारी पूरी की सबकी ताकत है। पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटरों की भी, नगर सेवक की, कार्यकर्ताओं की, जितने भी जो पदाधिकारी उनकी भी, किसी में किसी का मतभेद नहीं है, किसी का कुछ ये नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पार्टी में ये चल रहा वो चलता, देखो हर पार्टी में चलते रहता कुछ ना कुछ होते रहता, उसका ये मतलब नहीं है कि बोलते, ये हमारा एक परिवार है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक परिवार है, परिवार में कुछ ना कुछ। पर जब असद साहब ने वो जो बोल दिए सुप्रीमो कह दिया उसका कोई मसला। चलिए ये थे हाजी इसाक साहब, जैसे इनका मानना है कि जो लाड़की बहन जो योजना है इनके पास 4000+ अब तक फॉर्म आ चुके हैं और अब भी कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन भरना उसका चालू है। उसके अलावा जैसे इन्होंने कहा खास बात कि आने वाली 10 अगस्त को हाजी इसाक साहब जो हर साल मेगा कैंप रखते हैं मेडिकल कैंप, इस बार फिर होने जा रहा है फैज कॉम्प्लेक्स के बाजू में। आप लोग वहां पर जाकर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं उस मेगा कैंप के अंदर। और उसके अलावा जैसे आई साहब ने एक बात कही है कि इस बार मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन मेहनत कर इनकी एक प्लानिंग है कि किसी तरह इस बार तीनों सीटें ये कहीं ना कहीं जीतने की कोशिश करेंगे। अब क्या होगा आगे देखने के लिए जुड़ते रहिए हमारे औरंगाबाद अपडेट के साथ। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।